ये कार्यक्रम एक झलकी है हर इंसान को जनाने के लिए कि वो किधर जा रहा है, पर उसने जाना किधर था। इंसानियत अनुरूप व्यवहार अपनाना था, पर मोह माया में उलझकर दुई द्वेष का व्यवहार अपनाकर अपनी प्रसन्नता खो दी, अपने परिवारजनों की प्रसन्नता खो दी और कुल समाज उससे प्रभावित हो गया। और ये प्रभाव इतना गहरा हुआ कि अधिकतर इंसान दुराचारिता के प्रतीक बन गए। इस शिक्षा पद्धति का जो गुणी अध्यापक हैं उनके द्वारा क्लासेस यहाँ पर आयोजित होंगे, तो बुधवार से सोमवार तक यहाँ प्रतिदिन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तो सभी इसमें आमंत्रित। सत्युग दर्शन की फीस ही अपने आप में बहुत कम है और फीस के अलावा हमारा एक माध्यम अपना ऐसा है कि हमारी इतनी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में कि अगर हम अपनी ब्रांचेज का ही कंपटीशन कराते हैं तो सभी बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। जो भी गुण उनके अंदर है वो गुण का अपना प्रदर्शन करते हैं और हम भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। वो प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे को एक अच्छा मंच मिलता है। जो भी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, वो आएँ और यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा ले। आज आपके ही माध्यम से मैं ये मंच आपको जितनी भी जनता है उस सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमारी आज ओपनिंग आपने देखी, तो ऐसी ही ओपनिंग जैसे आज आपने देखी है तो आने वाले समय में हम समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। इसके अलावा हमारी जो हेड ऑफिस है जहां पर फरीदाबाद में सत्युग दर्शन भूपानी में ये स्थित है, तो भूपानी में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हमारा अपना जहाँ पर हम साल में 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं जिनमें बच्चा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। बेसिकली क्या है कि वो हमारे मार्ग दर्शक हैं, सत्युग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक हैं, जो सत्युग दर्शन ट्रस्ट कार्यरत है उन्हीं के मार्गदर्शन से कार्यरत है। विभिन्न शहरों में संगीत कला केंद्र चलते हैं, विभिन्न अलग दिशाओं में हमारा सत्युग दर्शन ट्रस्ट कार्यरत है। ह्यूमैनिटी ओलंपियाड हमारा होता है प्रतिवर्ष, जिसमें आज का युवा उसमें जुड़ा हुआ है। ये जैसे इंग्लिश का, साइंस का ओलंपियाड आयोजित होता है, ऐसा ही एक हमारा ह्यूमैनिटी ओलंपियाड हम कराते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है और उसके माध्यम से बहुत सारे युवा इसके अंदर जुड़े हुए हैं।